दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, अगर आप भी योनो एसबीआई से नंबर को चेंज करना चाहते हैं, नया वाला नंबर देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं कि नंबर पुराने वाले को हटा के नया वाला आप कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी सक्सेसफुली। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल देने वाले। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, अगर आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मालूम है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लॉगिन कर चुके हैं, तो होम पेज पे आ गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको नंबर चेंज करने के लिए, नया नंबर देने के लिए आपको यहाँ पे थ्री लाइन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल गया है। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम प्रोफाइल पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे खुलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है, तो इस वाले जो है पेन का ऐसा ऑप्शन बना हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर मांगा जा रहा है इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड। दोस्तों, अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, अगर ये भी पासवर्ड आप नहीं जानते हैं तो नीचे चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे चलिए हम दे देते हैं। दोस्तों, पासवर्ड देने के बाद हम चलिए सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको OTP ऑन बूथ ओल्ड एंड न्यू मोबाइल, इसका मतलब है अगर आप इस ऑप्शन से चेंज करना चाहते हैं तो आपको नए वाले भी पर मैसेज OTP जाएगा और पुराने वाले पर भी OTP जाएगा, तभी आप यहां पे मोबाइल को नंबर को जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है यहां पे OTP ऑन न्यू मोबाइल विथ डेबिट कार्ड डिटेल्स, तो दोस्तों अगर दूसरा वाले ऑप्शन से आप करते हैं तो आपको सिर्फ न्यू मोबाइल पे जो आप जो नंबर देना चाहते हैं तो उस वाले पर मैसेज जाएगा और डेबिट कार्ड का आपको डिटेल भरना होगा। तो दोस्तों, यहाँ से आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, बेहतर तो रहेगा नीचे वाला ऑप्शन जो कि न्यू मोबाइल पर हमको मैसेज जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही अपडेट पर हम क्लिक करेंगे, अपडेट पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे दोस्तों आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो चलिए हम मोबाइल नंबर दे देते हैं। दोस्तों, मोबाइल नंबर दे चुके हैं तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड के रूप में आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर नहीं आता है तो रिसेंट OTP पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो है यहाँ देखिए पूरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में आपको देखिए सेलेक्ट ATM कार्ड, तो आपको जितने भी ATM कार्ड होंगे तो आप वहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, आप कौन सा यूज करते हैं। तो वहाँ पे लास्ट में आप ATM से 4 अंक मिला सकते हैं इसमें। उसके बाद नीचे में जो है डेबिट कार्ड नंबर, आपको जो है ऊपर में लिखा हुआ था डेबिट कार्ड नंबर, आपको वो पूरा यहाँ पर डालना है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है ATM पिन आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद जो है आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है, और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका दोस्तों सक्सेसफुल हो जाएगा, योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन एडेड अपडेट सक्सेसफुल। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप जो है मोबाइल नंबर का आप जो है सक्सेसफुल यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, और अब कभी भी आएगा तो इसी पे मैसेज आपको आएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और कोई सवाल या सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।